दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम के खिलाफ मैच जीते तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी मौसम को लेकर सामने आई है। तो वहीं अब मुकाबला कब, कितने बजे और कहां आप सभी को लाइव दिखाया जाएगा और क्या प्लेइंग 11 टीम भारत और पाकिस्तान की उतरेगी, पूरी लाइव डिटेल आपको यहाँ आज की लाइव वीडियो में हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान की टीम में से कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आखिरकार जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो अब आ ही चुका है, जब हम सभी को भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच में एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में ICC T20 वर्ल्ड कप का ये दोनों ही टीमों का पहला मुकाबला होगा, जहां आप सभी को एक तरफ भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करेंगे बाबर आजम। और दोनों ही कप्तान जब आमने सामने होते हैं ना, तब रोमांच की सारी हदें पार हो जाती हैं। और ऐसे में इस हाई वोल्टेज मुकाबले हम सभी को दोनों ही टीमें मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड से सीधा लाइव खेलते हुए नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि आप सभी भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबले का लाइव प्रसारण अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर भी देख सकोगे। और अगर आपको इस मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो उसके लिए हॉटस्टार ऐप का उपयोग आप सभी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया भर में ये चर्चाएं जारी हैं कि आखिरकार 23 तारीख को जो मुकाबला खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में, इसमें मौसम कैसा रहने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं कि ताजा जानकारी क्या निकल कर आ रही है मौसम विभाग के द्वारा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर मौसम विभाग ने जताया है कि 23 अक्टूबर को खेले जाने वाले मुकाबले में खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ दर्शकों को निराश होकर वापिस अपने घर जाना पड़ सकता है। क्योंकि मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए 23 अक्टूबर को मेलबर्न में घनघोर बारिश के आसार जताए गए हैं, जहाँ दिन में बारिश की संभावना 82% तक रखी गई है, जो कि शाम को होते होते 99% तक हो जाएगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टाइम के अनुसार भारत का मैच शाम को ही होना है और इस दौरान मेलबर्न का तापमान 17 डिग्री तक रह सकता है। तो इससे दोस्तों आप सभी अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे दिन अगर बारिश हुई तो सही में मुकाबला खेला नहीं जाएगा, जो कि हम सभी भारतीय क्रिकेट दर्शकों के लिए तो काफी निराशजनक खबर है। लेकिन दोस्तों हम उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि अगर मुकाबला भले ही 20 ओवर का नहीं हो बल्कि 5-5 ओवर का भी हो जाए और पाकिस्तान की टीम की एक बार अगर हम हार देख लें तो हम सभी भारतीयों को खूब मजा आ जाएगा, और उम्मीद आप भी यही कर रहे होंगे और हम भी। बाकी दोस्तों अगर हम बात कर लें रिकॉर्डों के बारे में तो भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 फॉर्मेट में 11 बार आमने सामने आई है और इनमें से 8 मैच में भारत की जीत हुई है जबकि 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। वहीं भारत की जीत में वह मैच भी शामिल है जिसमें टीम इंडिया ने बॉल आउट के जरिए जीत हासिल की थी। तो ऐसे में दोस्तों आंकड़ों के अनुसार तो हमेशा से ही भारत की टीम आगे रहती आई है पाकिस्तान की टीम खिलाफ। बाकी अगर हम बात कर लें भारत और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 टीमों के बारे में तो दोस्तों आप सभी को भारत की तरफ से कप्तानी रोहित शर्मा करते हुए नजर आएंगे, जिनसे एक अच्छी पारी की भी उम्मीद हम सभी को होगी। तो वहीं KL राहुल टीम का हिस्सा होंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम कप्तानी करेंगे, सादाब अहमद, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस राउफ, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नशीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और फकर जमा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबले के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम मैच जीतेगी, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।